सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। क्या है ये स्कूटर, बाइक, मोटर स्कूटर, क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। आज हम जिस टू व्हीलर का वॉक अराउंड देखेंगे, ये है होंडा नेवी BS4 एंड ऑफ कोर्स विद AHO। हाँ बिल्कुल, आज हम इसी टू व्हीलर का डिटेल वॉक अराउंड देखेंगे, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सब कुछ। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू देना चाहता हूँ मिस्टर जीत को, सेल्स मैनेजर माकाली होंडा बालीटिकुड़ी हावड़ा। थैंक यू सर। तो चलिए देखते हैं होंडा नेवी का डिटेल वॉक अराउंड VS4 मॉडल एंड ऑफकोर्स विद AHO। सबसे पहले देखते हैं इसका टायर्स एंड व्हील्स को। सामने 12 इंचेस और पीछे 10 इंचेस का व्हील साइज है। MRF ट्यूबलेस टायर है इसमें। फ्रंट रिम साइज है 304.8 mm और रियर रिम साइज है 254 mm और व्हील बेस है 1286 mm। सस्पेंशन, सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन इसमें है। नाउ द इंजन, जो स्टार्टिंग मैकेनिज्म है ये आपको सेल्फ और किक दोनों ही मिलेगा और मैक्सिमम स्पीड आपको अप्रोक्सीमेट 81 km/h मिल सकता है। ब्रेक्स, होंडा नेवी में जो ब्रेक्स है ये ड्रम ब्रेक है, कोई डिस्क वेरिएंट नहीं है। ड्रम ब्रेक पीछे और सामने दोनों ही ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा और ड्रम ब्रेक का जो साइज है ये है 130 mm। सीट का जो हाइट है ये है 765 mm। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, वाइड है, कुशन क्वालिटी अच्छा है, आपको राइडिंग कंफर्ट मिलेगा इसमें। नाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, माई फेवरेट पार्ट, लेकिन बहुत ही ईजी और सिंपल है, फुल्ली एनालॉग है, कोई ट्रिप मीटर भी इसमें नहीं है, वेरी सिंपल। होंडा नेवी में ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है 156 mm और इसका जो कार्ब वेट है वो भी लाइट वेट है 101 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी, होंडा नेवी में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये बहुत ही कम है 3.8 liters, लेकिन इसका जो माइलेज है कंपनी क्लेम किया है अप्रॉक्सीमेट 60 km/l, लेकिन आपको तो 50 के ऊपर मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इसका एक्चुअल माइलेज जानने के लिए कोई यूज़र से रिव्यू लूँगा, लेकिन इसका यूज़र बहुत ही कम मिलता है रास्ते में, होंडा नेवी में बहुत ही कम देखता हूँ। अगर आप होंडा नेवी यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे प्रोज एंड कॉन्स बताएं और मैं इसका यूज़र रिव्यू लेने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। होंडा नेवी में एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये है फ्यूल फिलिंग सिस्टम, ये बाहर है। एक्चुअली होंडा एविएटर बोलिए, एक्टिवा बोलिए, डियो बोलिए, सब फ्यूल फिलिंग सिस्टम अंडर सीट है, आपको बार बार सीट से उतरकर वो फ्यूल फिल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें होंडा नेवी में आपको सीट से उतरना नहीं पड़ेगा, आप पेट्रोल पंप पे आराम से सीट में बैठ के ही आप वो फ्यूल फिल कर सकते हो।
3.8 लीटर का टैंक है, ये तो बहुत जरूरी था और ये इसमें है तो अच्छा बात है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, 12 वोल्ट का बैटरी इसमें है और 35 वाट का हैलोजन हेडलैम्प आपको इस होंडा नेवी में मिलेगा। और टेल लैंप और हेडलाइट का जो डिजाइन है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा। ये होंडा नेवी 6 कलर ऑप्शन में आपको मिलेगा। आप अगर बिजी सिटी में रहते हो जहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक जैम हो या फिर नैरो लेन हो तो होंडा नेवी इज़ अ परफेक्ट लाइट वेट स्कूटर या बाइक, जो भी बोलिए आप। आप अगर टीनेजर हो, कॉलेज के लिए, ट्यूशन के लिए या फिर लोकल मार्केट रेगुलर मूव करने के लिए, ये होंडा नेवी इज़ अ परफेक्ट फॉर बॉयज़। इसका जो लुक है वो भी एक डिफरेंट है, हटके है, इट्स डिफरेंट, ए बहुत ही फनकी लुक के साथ, मुझे बहुत ही फनकी लुक लगा, पेपी टाइप ये टू व्हीलर है होंडा नेवी। अब आते हैं इसका प्राइस के ऊपर। मुझे जो प्राइस मिला है ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता अप्रॉक्सीमेट 53,117 रुपीज़, तो अप्रॉक्सीमेट 53,000 अराउंड आपको मिल जाएंगे इन कोलकाता। तो डिसेंट प्राइस है, काफ़ी डिसेंट प्राइस है, 110 सीसी का ये टू व्हीलर है तो अच्छा है। 53,000 इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, इसमें होंडा नेवी आपको मिलेगा। और एक बात और, आप अगर होंडा नेवी के साथ होंडा एक्टिवा 4G का कंपैरिजन देखना पसंद करोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए, मैं वो कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो वही था होंडा नेवी के बारे में, लेकिन मुझे वॉक अराउंड करके जो महसूस हुआ, जो मुझे जो मिला है एडवांटेज और डिसएडवांटेज कुछ मैंने आइडेंटिफाई किया ये इसका वॉक अराउंड करते वक्त, तो मैं पहले वो आपको बता दूँ। इसका जो एडवांटेज है, ये मुझे जो लगा पहला एडवांटेज है होंडा नेवी में कि फ्यूल फिलिंग सिस्टम ये बाहर है, ये बहुत ही अच्छा है। 3.8 लीटर्स का टैंक है, छोटा टैंक है, लेकिन ये फ्यूल फिलिंग सिस्टम बाहर है, ये बहुत ही ज़रूरी था, ये मुझे एक एडवांटेज लगा। दूसरा एडवांटेज लगा इस स्कूटर का जो वेट है, जो बहुत ही लाइट वेट है, 101 kgs, ये लाइट वेट होने के कारण कोई भी एजेड पर्सन हो या फिर कॉलेज कोई टीनेजर हो तो ये इसे हैंडल कर सकता है, इसका वेट काफ़ी लाइट है। तीसरा जो मुझे एडवांटेज लगा इसका प्राइस, डिसेंट प्राइस है, 53,000 अराउंड ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता में बता रहा हूँ आपको, तो इसका प्राइस मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, अच्छा लगा, ये भी एक एडवांटेज है। और मुझे जो फोर्थ एडवांटेज इस होंडा नेवी में लगा ये है इसका लुक्स और स्टाइल, ये काफ़ी डिफरेंट लुक है। आप अगर कॉलेज या बाजार में कहीं भी आप ये होंडा नेवी लेके जाओ तो वहाँ पर सारे बाकी सब ये बाइक के नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, इसे देखेंगे, एक क्यूरियसिटी मन में जगेगा। तो ये होंडा नेवी के स्टाइल के मामले में थोड़ा हटके है, डिफरेंट है, अब ये मुझे एडवांटेज इस होंडा नेवी में लगा। और कुछ बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। मुझे पहला जो डिसएडवांटेज लगा इसमें कि इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 3.8 लीटर्स बहुत ही कम है। हाँ, माइलेज अप्रॉक्सीमेट आपको 50 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर 5 लीटर्स या फिर उसका थोड़ा ऊपर होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। सेकेंड डिसएडवांटेज जो मुझे लगा इसका स्टोरेज कैपेसिटी, इसका स्टोरेज कुछ कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसका स्टोरेज कैपेसिटी ये मुझे वो एक डिसएडवांटेज लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन जो है पीछे का वो ड्यूल सस्पेंशन नहीं है, हाँ स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन है लेकिन सिंगल ड्यूल नहीं हुए, तो इसका सस्पेंशन राइड करते वक्त खराब रास्ते में इसका सस्पेंशन पीछे का सस्पेंशन क्या परफॉर्म करेगा वो मैं यूज़र से ज़रूर पूछूंगा। तो यूज़र रिव्यू के लिए वेट करिए, होंडा नेवी के लिए कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप एक बार यूज़र रिव्यू ज़रूर देखेंगे, वो मैं आपको दिखाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। तो यही था आज का डिटेल वॉक अराउंड होंडा नेवी के बारे में, जितना हो सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप पूछिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, नीचे वो लिंक है, आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ वो लिंक क्लिक करके आप वो ज्वाइन कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो वहाँ पर भी, और कोई भी सवाल है वहाँ पर भी मुझे भेजिए, मैं वो आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ सेफ राइड कीजिए, बाइक कोई भी लीजिए, स्कूटर कोई भी लीजिए, लेकिन सेफ राइड कीजिए और अपना हेलमेट ज़रूर पहन लिया कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और खोज इंडिया देखना तो बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में कोई नया बाइक या ना स्कूटर के साथ, तब तक खोज इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।